जय गो माता, जय गुरुदेव भगवान। आइए मेरे प्यारे गो भक्तों, गाय बैल के हड्डी टूट जाती है तो उसका देसी इलाज आज हम जानते हैं कि गाय बैल की हड्डी टूट जाती है उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे उसके ऊपर प्लास्टर करना है, ये सारी विधि आप लोगों को बताते हैं और उसको ऊपर से क्या पिलाना चाहिए ताकि जल्दी हड्डी जुड़ जाए और ठीक हो जाए। आइए मेरे प्यारे गो भक्तों, इसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरी अंत तक आप देखें और दूसरे गो भक्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि हड्डी टूटने पर इसका इलाज हम घर पे भी कर सकते हैं, कैसे करें। हालांकि इस इलाज को करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है, ये नहीं कि बिल्कुल अनजान व्यक्ति ये बताई हुई चीज़ों को कर ले तो ऐसा हो नहीं सकता, थोड़ा बहुत अनुभव होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हड्डी टूट गई इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले तो कहते हैं कि आपस में जब गाय माता या बैल भगवान लड़ते हैं तो हड्डी टूट जाती या कहीं नीचे गिर जाते हैं, इस वजह से हड्डी टूट जाती है। तो अब हड्डी टूट गई इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 लीटर देसी गाय माता का गौमूत्र लेना है, उसके अंदर 200 ग्राम नमक, देसी नमक सफ़ेद डली वाला नमक उसमें डालना है, उसे अच्छा बढ़िया गर्म करो और गर्म करने के बाद उसे नीचे उतार लो, उस गुनगुने के अंदर ऐसा सूती कपड़ा उसमें डालें और गौमूत्र नमक का जो उबला हुआ था उस गुनगुने में उसको डालकर जहाँ पे चोट लगी वहाँ से उसकी मालिश करें, अच्छा बढ़िया उसको सेकें। ऐसा करने से गाय माता का दर्द कम हो जाएगा और जो हड्डी टूटने से ऊपर सूजन आ गई वो सूजन भी कम हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, गौमूत्र नमक की मालिश करने के बाद जो गाय जो हड्डी बिठाने वाला हो, है ना, ऐसा किसी को बुला लिया, आप जानते हो तो आप भी कर सकते हो। जैसे हड्डी टूट गई है ये ऐसे आगे पीछे तिरछी हो गई है तो इसको एकदम ऐसा सीधा करके अंदर से लगा के और उसको व्यवस्थित ऐसा उसको जोड़ें, उसको ठीक जगह पर बिठाएं। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है कि उस टूटे हुए स्थान पर घी, देसी गाय माता का घी और असली सिंदूर, इसको दोनों को मिला लीजिए और उसके ऊपर अच्छा बढ़िया आप लेप कर लें। फिर बाद में क्या करना, उसके ऊपर आपको सिंदूर और घी के लेप के ऊपर आदमी मनुष्य के बाल होते, बड़े बड़े बाल है ना, उन बालों को उनके चारों तरफ अच्छी तरह से चिपका दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना, बाल के ऊपर आपको खपची बांधना है, खपची मतलब बांस की लकड़ियों को ऐसे पतली पतली काट लीजिए, फाड़ लीजिए और उस बाल के ऊपर उस खपची को बांध देना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप क्या बोलते हैं, प्लास्टर जैसा वो हो जाएगा, इस प्रकार से प्लास्टर तैयार होता। अब क्या करना, इसके ऊपर अलसी का तेल या देसी गाय माता का घी गरम करके गुनगुना रोज उसके ऊपर डालते रहें, इससे वो गीला रहेगा। ठीक है, या आप उसके ऊपर करते रहें। अब आपको क्या करना है, गाय माता को पिलाना है, क्या पिलाना है, जिनजिनी जड़ की छाल, पंसारी की दुकान पे जाओगे आपको मिल जाएगी जिनजिनी जड़ की छाल, आपको लेनी है ये 10 तोला अर्थात 120 ग्राम, इसको पीस ले और देसी गाय माता का दूध लेना 1 किलो, इसके अंदर इसको डालकर अच्छा बढ़िया उसको उबालें। फिर बाद में उसे छानकर उसमें 120 ग्राम गुड़ मिला लें। ठीक है, गुड़ मिलाकर आप गाय माता को रोज पिलाना है या बैल भगवान ठीक होने तक, लगभग आप ये 10-15 दिन तक आप करते रहें, इससे अंदर की हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी। दूसरा और है, एक आता है हड़ जोड़, जो पंसारी की दुकान मिल जाएगा, हड़ जोड़ लेना है 10 तोला अर्थात 120 ग्राम और दूध लेना है 1 लीटर, हड़ जोड़ का रस निकाल कर उसको दूध में मिलाकर गरम गरम उनको पिलाना है। हड़ जोड़ का रस मतलब सूखा मिल जाए तो उसको पानी में उबाल लीजिए, 120 ग्राम को 1-2 गिलास पानी में उसका अच्छा बढ़िया काढ़ा बन जाए, है ना, आधे का आधा जब पानी रह जाए तो उसका वो रस निकल जाएगा अगर सूखा है तो। ठीक है, और फिर उसको दूध के अंदर मिलाकर उसे उबालकर आप गाय माता या बैल भगवान को पिलाइए ताकि हड्डी जल्दी जुड़ जाए। और तीसरा पीने में क्या देना है, 2 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपको 250 ग्राम गुड़ मिलाना है और 100 ग्राम तिल का तेल, वैसे तो सरसों का तेल सबसे अच्छा रहता है मगर सरसों में क्या है कि केमिकल है, बीज में भी जहर है, कई सारी कीटनाशक दवाएं उस पर छिड़कते हैं, जहर डालने की वजह से वो विषैला हो गया है, इसलिए तिल थोड़ा शुद्ध है, इसलिए तिल का तेल आप ले लीजिए।
दो लीटर पानी में पाव भर 250 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम तिल और 50 ग्राम हल्दी मिलाकर उसे अच्छा उबालें, उसका काढ़ा बन जाए। फिर उसे गुनगुना आप सुबह शाम आप पिलाइए, ठीक होने तक लगभग 10-15 दिन आप पिलाइए। इससे हड्डी जल्दी जुड़ जाएगी और अंदर का दर्द भी उनका खत्म हो जाएगा। एक और है आपको देने के लिए कि जंगली चौलाई आती है जिसे कांटे वाली चौलाई भी कहते हैं, अपने खेत में लगती से अपन चारा कहते हैं उसके, मतलब छोटे छोटे पत्ते आते हैं और कांटे लगते हैं। आप किसी से पूछोगे या नेट पे आप सर्च कर रहे हैं, आजकल तो नेट का ज़माना है भाई, है ना, तो जंगली चौलाई या कांटे वाली चौलाई उसको बोलते हैं। उसके पत्ते का रस आपको निकालना है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम रस के अंदर आपको क्या करना, 1 चम्मच काला नमक,